बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी देन शो दैट 1/P² दैट इज इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B². तो प्यारे बच्चों आपको तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी गिवन है कि इसने कहा है कि P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। यहां पे P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये P है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ये A x इंटरसेप्ट है और ये B y इंटरसेप्ट है, ये हमें दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है। अब आप देखिए सॉल्यूशन की अगर बात करें हम प्यारे बच्चों, तो गिवन एक्स इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू ए और वाई इंटरसेप्ट ये बी गिवन है, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या होती है x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। और क्या दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे डिस्टेंस हम निकालते हैं किसी भी पॉइंट की x1 और y1 की। तो क्या करते हैं ये पॉइंट पुट कर देते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको मोड में डाल देते हैं डी के इक्वल लिख देते हैं। अब की बार वो डी नहीं कहा, उसने कहा है पी है कि वो डिस्टेंस क्या है पी, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो पी हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, सॉरी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। तो अब आप देखेंगे कि ओरिजिन से इस लाइन की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि डिस्टेंस ओरिजिन मतलब 0 0 और ये लाइन गिवन है हमारे पास। अब आप देखेंगे कि सिंस पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है की तो बात है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मीन्स 0 0 टू द लाइन क्या x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों हमें p निकालना है तो ये पॉइंट पुट कर देगा उसमें, लेकिन इसको पहले लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। तो इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इसको कैसे लिख लो क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, एक्स डिवाइड बाय ए प्लस वाई डिवाइड बाय बी -1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसकी डिस्टेंस निकालो पी दैट इज मोड ऑफ एक्स की जगह पे 0 रखा तो 0 प्लस वाई की जगह पे भी 0 रखा तो 0 -1 डिवाइड बाय। अब यहां पर जो थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको x का जो कोफिशियंट है वो कितना है, देखो अगर ए एक्स होता तो x का कोफिशियंट a था, अब ये x डिवाइड बाय a है यानी कि ये 1 डिवाइड बाय a इंटू एक्स है, तो x का कोफिशियंट है 1/a, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय a स्केयर प्लस इसी तरह से y डिवाइड बाय b से हमें क्या मिल गया 1 डिवाइड बाय b स्केयर, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय b स्केयर। यहां पे आ गया अब ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इंप्लाइज p की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1 डिवाइड बाय बी स्केयर। क्लियर है, स्केयर कर दो इसका p स्केयर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, जब स्केयर करेंगे तो मोड हट जाएगा और ये रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय a² प्लस 1 डिवाइड बाय बी स्केयर। दिस इंप्लाइज अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पी स्केयर इंटू 1 डिवाइड बाय ए स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1 और पी स्केयर को यहां डिवाइड में ले आए, दिस इंप्लाइज 1 डिवाइड बाय ए स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय पी स्केयर।
और यही तो हमें प्रूव करना था। हम इसको लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज कि 1 डिवाइड बाय पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय बी स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों देखो, हमने इस पे कुछ भी ऐसा नया नहीं किया जो हमें नहीं पता हो या पहले हमने किसी क्वेश्चन में यूज ना किया हो। बस हमने क्या किया कि यहां पे बस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन भी तो एक पॉइंट ही है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर सिंपली डिस्टेंस कहते हैं हम कि किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो फॉर्मूला हमने यूज किया, बस उसी को सोल्व किया, स्क्वायर किया और बैलेंस किया और आंसर तक हम पहुंच गए। तो यहां पे प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ साथ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.3 और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे की आपकी हायर स्टडी में भी ये जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी काफी यूज होता है आगे की क्लासेस में भी ये। तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ के प्रति जो फियर है वो कम होता चलेगा, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ता चलेगा। लगातार प्रयास करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।